फरमाए जब सूरत फातिह अर्शों से जमीन पे आई नाजिल हुई एक गूंज उठी एक आवाज आई। फरमाए अल्लाह से आज वो चीज जमाने पे जमीन पे नाजिल की है जो इससे पहले कभी आई नहीं थी और जो इसके बाद कभी आएगी नहीं। सुभान अल्लाह को फिर कहो, इससे पहले कभी आई नहीं थी इसके बाद कभी आएगी। और जब सूरत फातिहा नाजिल हुई शैतान रोया पीटा अपना सर पे राख डाली और इतना शोर किया कि काश कि यह सूरत फातिहा आई है और अगर आई है तो वापस चली जाए, अगर वापस नहीं गई तो किसी की जुबान पे ना जाए यानी कोई इसको पढ़ ना सके, अगर पढ़े तो उसका यकीन ना मिले। क्यों? यकीन से पढ़ने वाले की दुनिया भी आखरत भी रिस्क भी इज्जत भी सेहत भी तवंगरी भी बादशाहत भी खुशियां खुशहालियां भी यकीन से पढ़ने वाले को मिलती हैं। और इसलिए आज भी शैतान सूरत फातिहा से लरसता है कि सूरत फातिहा पढ़ने से जन्नात और शयातीन ऐसे दूर होते हैं ऐसे कि मीलों दूर चले जाते हैं और उस बंदे से खौफजदा होते हैं जो सूरत फातिहा पढ़ता है। लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।